PACL और अन्य चिट फंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको सर्टिफिकेट माना जाता है। सारे रसीदें मांगी जा रही है। अरे उन्हें बोल गौतम जी, सारी रसीदें कस्टमरों के पास है नहीं, पहली और लास्ट रसीद। कस्टमर की रसीद को एजेंट जमा करता था, ठीक, एजेंट के पास उसकी रसीद रहती थी, कहीं मिस यूज हो जाती थी, मतलब कहीं झोला गिर गया उसका या वो दे नहीं पाया, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती थी। किसी रजिस्ट्रेशन लास्ट होता था, रजिस्ट्रेशन का नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड लीजिए नंबर दो और बैंक की पासबुक को ट्रांसफर होती है। कपड़े की परचेजिंग दिखाते निवेशक है, सारे निवेशकों का पॉलिसी नंबर उनका इन्वेस्ट। सही क्वेश्चन किए हैं सर, क्या PACL का सभी डाटा आपने लिया है या नहीं लिया? बस मेन चीज सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है, आप बताइए सर, वापस होगा वेरीफाई आप कहाँ से? वही से करेंगे सर। भाई मान लिया हम अप्लाई करते हैं, हमने 50,000 दिया, हमारे पास वार्ड नंबर है, रसीद नहीं है, तो वो नंबर डाल के PACL के सिस्टम से कंफर्म हो जाएगा कि इसका कितना पैसा जमा। बस 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 बिल्कुल सही सर, की नहीं ये ऐसी साइट भाई जारी की है, अगर आप काम कर रहे हो तो PACL का पूरा डेटा हमको लगता है आपको ट्रांसफर हो चुका होगा या वो आपकी कस्टडी में होगा। उन्हें जवाब दे, अगर वो डेटा हम अभी तो सर ने बोला है ये नेचुरली सही लग रहा है क्योंकि वो नहीं, आप नेचुरली कैसे अभी आप पैसा दे रहे खाली मान लिया 1,00,000 लोगों का आपका कुछ पैसा है तो आपका पैसा है, आपका नाम PACL ने कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया ने दिया डॉक्यूमेंट्स दिए हम लोग यही जानना चाह रहे हैं 3 साल से ऐसी साइट खोली जाए जिसमें ये तो मालूम हो हम डेटा के अंदर है कि नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया है आपने और आपका इतना निवेश, आपका नाम ये है, ये निवेश इतना ही पता होगा, इतना अमाउंट निवेश किया हुआ है, इस समय से इतना मैच्योरिटी में आ रही है पता होगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा, उनसे दिया होगा। अगर आप जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं यही दिन तलाश कर, अगर आपने दे दिया कंप्लीट हो गया और सब कुछ मैच हो गया वेरीफाई हो गया तो आपको पैसे मिलना चीज में कोई इफेक्ट बेटर नहीं है, तो सर नहीं है। लेकिन अगर अब यहाँ पे अगर दूसरा इश्यू आपने उठा लिया कि आवाज कुछ चीजें नहीं है, चाहे वो रसीद नहीं है या पावती है केवल, तो वो दूसरा इश्यू आ गया, तो उसके लिए भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे आप जमा कर दीजिए मेरे पास, तो मैं उसके लिए मैं खुद भी उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप दूसरी बात कर रहे हो, प्रदेश के लोग आप क्या सर आएंगे लेकर? अभी आप वेबसाइट से कर सर, कितना पैसा खर्च हो रहा है ऑनलाइन में आपको पता है? लोगों का पैसा खर्च हो रहा है आपको पता है? कौन देगा ये पैसा ऑनलाइन करने का? नंबर एक, तीन चीज़ पैसा कौन देगा जो आप ऑनलाइन फ्री में हो रहा है? ये ऑनलाइन ये फ्री में होगा? अरे सर जी मेरी बात सुनिए, बैंक वाला ले रहा है, एक पेपर का 5 रुपए ले रहा है, एक पेपर का 5 रुपए, और मान लीजिए 72 रसीदे हैं या 84 रसीदे हैं, ठीक है, एक 84 रसीदे हैं मान लीजिए, अब जोड़ लीजिए कितना पैसा ये हो गया, उसके बाद आधार कार्ड आगे पीछे का पैन कार्ड एक फोटो फोटो हो गई कैंसिल चेक कैंसिल चेक पासबुक ये सब कहाँ से किसी के रुके रुके नहीं नहीं हम लोग नीचे चले जाए बस फिर से तीन चीजें और उसके बाद एक व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, कितने लोग कर सकते हैं? ना या तो एक काम करिए, योगी सर से कह दीजिए जैसे छत्तीसगढ़ में बघेल साहब ने कह दिया हमारी तरफ से होगा वैसे वो कर दें। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल छत्तीसगढ़ में ओपन हो गया, छत्तीसगढ़ में सरकार करा रही है, आपको कॉपरेट तो करना पड़ेगा साहब, राजी नहीं गैर राजी करना पड़ेगा, जो मान लो पैसा तो आप लेके रहेंगे बैंक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, हम बाजार में नहीं करवाएंगे, हम बाजार में नहीं करवाएंगे, बाजार में नहीं करवाएंगे, बाजार में ऑनलाइन आपने मांगा अब आप ही करो सुविधा, ब्रांचे पड़ी हुई है, ब्रांचे ओपन करवाओ, ब्रांच ओपन करा के पेमेंट स्वयं भी है, कोई किराया है, कोई भाड़ा देना है, कानपुर में साली 5 ब्रांचे इधर जिलों को बुला लो आदमी आ जाए, तुम्हारे पास किसे लखनऊ में भी इसके हर बार एक चीज मेरी और नहीं है, जून से लेकर के आज तक किसी का हुआ नहीं, अब जून से मैंने अभी आपको बताया था कि अक्टूबर 2018
मैं आपको मैंने प्रेस रिलीज दिखाई थी, करीब 1.25 लाख लोगों का निवेश, निवेशकों का पैसा मिला, कुछ कमी लगेगा आपको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद की जो प्रेस रिलीज मैंने बताई है, अश्योरेंस के लिए बता रहा हूँ, 8 फरवरी 2019 की जो प्रेस रिलीज, उसमें सबका पेपर मांगा गया और 30 अक्टूबर तक का टाइम है, तो कुछ तो आप रुकिए, 30 अप्रैल तक का टाइम है, तो कुछ तो आप उसमें 2500 से लेकर सब ने 1 मिनट 2500 के बाद आपको 10,000 या 20,000 करना था, सारे कैसे मांग लिया आपने? 2500 के बाद हम तो ये कह रहे थे आप 50,000 मांगोगे, आपने सारे मांग लिए। तीन चीजें लीजिए, पावती हो या बॉन्ड हो या उसकी रसीद, सबसे पहले तीन में है, तीन में रसीद, रसीद वही जो है पावती बोलते हैं, और जिनका 50,000 से ऊपर है उनका पैन कार्ड दीजिए, इसमें सारी चीजें नोटेड है। इसको आगे बढ़ाओ, नंबर एक हो गया, नंबर दो चलिए। सर मैंने आपको बोला कि मैं आगे बढ़ाऊँ, पहली चीज तो मैं जो आपको बता रहा था वो मैंने आपको एक अश्योरेंस के रूप में जो बोला, चलिए नंबर दो सर, आने वाला सच्चाई बता सर, एक मिनट में सर को एक जगह रोकूंगा, आप ये बार बार सर कहना बंद कर दीजिए कि हमने 1 लाख इतने लोगों का 2,500 दे दिया, आप कहते हो ना कि जैसे जैसे आग लगती है सर, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए सर। चलो अमर सर ने क्या कहा आपसे, आप उन लोगों का प्रमाण क्यों नहीं देते हो, हम यहाँ मोहन दो आप प्रमाण, चलो अमर सिंह जी आगे बढ़ा, कोई बात नहीं है, इनका घर पता कर लेना, इनके घर पे चले जाना उठाने, पॉइंट नंबर टू, मेरे FIR लगाना मेरे खिलाफ, ठीक है? जो पेपर मांगे हैं निवेशकों के, तो आपको देने की फंडिंग, इनका घर एड्रेस पता करवाओ त्रिपाठी जी, व्यवस्था क्या से इतना बता दीजिए, व्यवस्था क्या है, फंडिंग व्यवस्था क्या है, इनका घर एड्रेस पता करवाओ आज शाम को, फंड कितने भी बच्चे हैं इनके बताएंगे, फिर इनका पता तो मैं इनके निकलवाऊंगा थर्ड डिग्री करके, फंडिंग व्यवस्था मैंने आपको यहाँ नहीं बताएंगे, तो आपको पता ही है सर, आप तो जानते हैं, आप बताइए सर, आप बताओ प्रॉपर्टी को उनकी बेच करके, बेच करके मौजूदा क्या है सर, प्रॉपर्टी जो बेची जाती है, और उसके बाद अभी मैंने बताया था मार्च 2018 का चिट्ठी भेजा गया था कंपनी ने, 21,000 करोड़ रुपए का बताया था कि हमें इतने पैसे दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी के, उसके अलावा फिर उसके काउंटर ऑफर्स अप्रैल में दिए गए थे, उस काउंटर ऑफर्स में जो आए हैं उसके बाद प्रॉपर्टी बेची गई, तभी तो पैसे दे पा रहे हैं सर, इससे पहले दो कंपनियां आ चुकी हैं, वो प्रपोजल दे चुकी हैं, एक कंपनी ने कहा था 51,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ एक ने कहा पूरा देने के लिए हम तैयार हैं, दूसरी कंपनी ने कहा था कि हम 41,000 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, उनको प्रपोजल, उनके प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किए, मांगे तो आपने ही थे प्रपोजल, प्रपोजल किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने ही मांगे प्रपोजल, प्रपोजल पे क्यों नहीं दिया, आपके वकील ने मना किया, आपने क्यों नहीं दिया कंपनी को, मालूम है अरुण जेटली वित्त मंत्री हमारी कंपनी के सलाहकार रहे हैं 14 साल, कौन सी कंपनी के सबसे बड़े चोर तो वही है जो आज की सत्ता में बैठे हुए इन्हीं की, आज उन्होंने अपने पर्सनल पीए को अजय त्यागी जी को इसका अधिकारी बना दिया है, 8 फरवरी को चुनाव किसी तरीके से हो जाए। फिर 5 साल उन्हें को अंदर भेजेंगे, बिल्कुल सच्चाई ये है कि ये सच्चाई। अच्छा ये बताइए 2,500 वालों के लिए आपने बोला था, एक मिनट उन्होंने जो एक मिनट आपने जब मैं 20 फरवरी 20 फरवरी को जब आया था तो आपने यही जवाब दिया था कि पहले उन लोगों को मैं पेमेंट करवा रहा हूँ 2,500 वालों को जिनके पेपर कम्प्लीट आए, अनकम्प्लीट वालों को आपने दिए बुलाया आपने, अभी जो 2,500 वाले हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे मेरी बात का उत्तर दीजिए, आप AGM बैठे हुए हो हैं, आप इनके सुरक्षा बल में बैठे हुए हो, ये तो भी ध्यान रखो, हर समय साथ नहीं आएंगे, आप यूपी के आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, हर समय इतनी जनता आपके पास आएगी, 90% नहीं 99% आप लाइन पेमेंट लेगा, हर बार आप बुलाओगे इनको, ये जनता बिना आप लाइन के आवे, अरे यार अमर सिंह भाई देखिए मैं नहीं बोल रहा था, आप ही लोग बोलते रहोगे, आप लाइन आवेदन के लिए जनता मांग कर रही है, जब तक नहीं हटेगी, जब तक आप लाइन सिस्टम बात कीजिए, ये आपके नौकर नहीं, ये पूरे प्रदेश के नौकर हैं, समझ रहे, ये आप लिखिए, आपके लिए हरदम बैठे नहीं रहेंगे, 3 घंटा हो गए, 5 दिन पहले ये आवेदन आ गए थे, आपने अभी तक ये जो आवेदन आप कह रहे हो ये ज्ञापन, सर आपसे यही तो कह रहा हूँ, कोई प्रश्न का उत्तर आपने नहीं लिया, पूरी रसीद खो गई, मान लो मेरा पर्स कट गया तो आप पेमेंट नहीं दोगे, कुछ नहीं है घर में क्या चोरी आपके यहाँ नहीं होती है,
आग नहीं लगती है, आपके ऑफिस में भी आग लग जाती है। फिर एक मिनट शुक्ला जी वो सही है ना, बात कर रहे हो देखो फिर जनता का बहुत बात कर ली भाई साहब इनसे, बहुत देर हो गई, अब जूते से बात हो गई इनसे भाई, धीरे नहीं आ रही सही आवाज है, अरे ऐसी बात कर ले, आपसे सुना तो धमकी दे रहे हैं हम लोग, रुक जाए सुनिए मिस्टर सर, हमको ये बताइए सर, हमको ये बता दीजिए आपने 2500 वालों के लिए क्या किया जिनके पेपर खो गए। मान लीजिए मेरा मोबाइल गिर गया तो मेमोरी हमें दोबारा नहीं मिलेगी, मोबाइल मैं नया ले लूंगा सर, प्लीज समझिए। और गरीबों की अरुण जेटली 2 बार बीमार हो चुके हैं, प्लीज सर आप ये लिख के भेजो यहाँ से, जनता नहीं हट रही है, ऑफलाइन आवेदन ही उनको देने हैं। और अरे यार अमित भाई यार बहुत पैसा लगा है परिवार का मेरे यार भाई, ऑफलाइन पेमेंट के लिए ही जनता मांग रही है और जब तक नहीं हटेगी जब तक आप ऑफलाइन के लिए आप आदेश नहीं देते, बस और कोई नहीं, ये मोड़ रख लो आप, बस और हमें आगे बात नहीं करनी है, आप नहीं संभाल पाओगे ऑफलाइन, यहाँ पे हर बार सीओ साहब एसओ साहब नहीं आएंगे, आप बात मेरी समझो, कोई खर्चा नहीं करना पीसीएल के ऑफिस से, पटेल एक मिनट लखनऊ में तो इनकी ऑफिस है, कानपुर में 4-4 है, 10-10 जिलों को वहीं पे बुला लीजिए, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा झाड़ू से लेके पोछा तक, जो जाला लगा मैं हटवाऊंगा, 24 साल भाई साहब काम किया है, बात समझ लो, आज मेरा जवान भाई 32 साल का खत्म हो गया इसी टेंशन में, 82 ईयर्स के पिताजी पड़े हुए हैं, बात समझ रहे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप सर जी, हाय ना लो इसको तुरंत मेल भेजिए कि जनता नहीं हट रही है और पुलिस प्रशासन भी अब साथ नहीं रहेगा क्योंकि 3-4 घंटा हो गया, आप अपना कुछ फोर्स ठीक, सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं उनको नीचे ही करिए, हाँ चलो भाई प्लीज सर, ये मेरा आवेदन है, ब्राह्मण पुत्र हूँ बद्दुआ ना लो, ब्राह्मण पुत्र हूँ बद्दुआ ना लो, आप बस केवल ये मेल करवा दो कि सर ये हक नहीं है भाई, इतना तो कर सकते हो, ये एक इंसानियत में बोल रहा हूँ आपसे, इंसान के हिसाब से इतना कर दीजिए कि ऑफलाइन आवेदन के लिए ही राजी है, ऑनलाइन आवेदन नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम हमारा इसी से, अरे एक मिनट गोपाल जी बस ऑफलाइन के लिए आप कोई बात नहीं, बात कुछ नहीं करना है, केवल ऑफलाइन लेना है हमें बस।